खेत में भरे बारिश के पानी को लेकर खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में चली लाठियां, आज घायल क्रॉस केस दर्ज। शिवपुरी जिले के करेरा थाना क्षेत्र के खेराघाट गांव में खेत में भरे बारिश के पानी को निकालने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए करेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। करेरा पुलिस ने दोनों पक्षों के चार चार लोगों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। जिला अस्पताल में उपचार करा रहे खेराघाट गांव के रहने वाले दीपक कुशवाहा ने बताया कि पड़ोसी खेत मालिक श्यामलाल कुशवाहा ने अपने खेत में भरा हुआ बारिश का पानी निकालने को लेकर मेड़ काट दी थी, जिससे श्यामलाल कुशवाहा के खेत का पानी हमारे खेत में भर गया था। इसके बाद मेरे पिता हरचरण पुत्र भागीरथ कुशवाहा के साथ और मेरा भाई अजय और फूफा जानकी प्रसाद कुशवाहा गांव के रहने वाले श्यामलाल कुशवाहा से खेत में पानी छोड़े जाने पर आपत्ति जाहिर की, तो श्यामलाल कुशवाहा, भगवती बाई कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, संतोष कुशवाहा ने लाठियों से मारपीट करना शुरू कर दिया। इस मामले में श्यामलाल कुशवाहा का कहना है कि बारिश का पानी खेत में भरा हुआ था, उसके खेत की मेड़ स्वतः ही टूट गई थी, जिससे उसके पानी हरचरण कुशवाहा के खेत में चला गया। इसके बाद घर आकर हरचरण कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, अजय कुशवाहा, जानकी कुशवाहा ने मारपीट करना शुरू कर दी। करेरा पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर चार चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। पूरा नाम? कहाँ के रहने वाले हो? करेरा। करारा? खेरा घाट। क्या घटना हो गई आपके? खेत में पानी भरने से लोग कौन ने मारपीट की? श्यामलाल, संतोष कुशवाहा, कुशवाहा। कितने लोग थे? पाँच छह लोग थे। कितने लोग पिटे हो आप? चारों के नाम क्या क्या है? मेरा नाम दीपक है, दीपक कुशवाहा। अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा। चारों को मारा है? कैसे मारा है? लाठी। पानी के चक्कर में खेत में पानी डूब। कैसे मारा है? लाठियों से।